हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड टूर गाइड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के 3 अमेजिंग विलेजेस के बारे में बताऊंगी। रोज रोज की टेंशन और शोर शराबे से दूर किसी शांत एरिए में अगर आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो फ्रेंड्स इस बार किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर नहीं बल्कि विलेज की तरफ जाइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं जिन गाँव की बात कर रही हूँ वो कोई साधारण गाँव नहीं है, बल्कि इन्हें विश्व स्तर पर रेपुटेशन प्राप्त हो चुकी है दोस्तों। बीते वर्षों में इन तीनों गांवों को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड के लिए बेस्ट टूरिज्म विलेज की कैटेगरी में नॉमिनेट भी किया गया है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन भारत की 3 अमेजिंग विलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट आता है पोचमपल्ली गाँव। हैदराबाद से लगभग 40 किलोमीटर दूर तेलंगाना के नलगोड़े जिले का जो पोचमपल्ली गाँव है, अपनी बुनाई और इकत साड़ियों के लिए जाना जाता है। पोचमपल्ली को रेशम का शहर भी माना जाता है दोस्तों, इसीलिए ये सिल्क सिटी के नाम से भी काफी फेमस है दोस्तों। इस गांव में 10,000 हरकरघे हैं दोस्तों। यहां की साड़ियां भारत समेत श्रीलंका, मलेशिया, दुबई, यूरोप और फ्रांस समेत कई देशों में भेजी जाती है दोस्तों। ये जो विलेज है साड़ियों के लिए काफी फेमस है दोस्तों, तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करिए, आपको काफी मजा आएगा। नेक्स्ट सेकेंड आता है कोंगथोंग विलेज। शिलोंग से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित कोंगथोंग गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य और अद्भुत संस्कृति के लिए बहुत ही फेमस है दोस्तों। यहां के सुंदर पहाड़, झरने और देवदार के पेड़ों से घिरी घाटी की जो प्राकृतिक सुंदरता के अलावा दोस्तों, आप यहां कोंगथोंग में एक अजीब गरीब प्रथा होती है वो मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। यहाँ के बच्चों के नाम नहीं रखे जाते हैं दोस्तों। जन्म के समय माँ के दिल से जो भी धुन निकलती है वो धुन उसे सौंप दी जाती है। जीवन भर उस बच्चे को उसी धुन से पुकारा जाता है दोस्तों। इस गांव में बातें कम और धुन अधिक सुनाई देती है, किसी भी बच्चे का नाम नहीं रखा जाता है। इस कारण इस गांव को व्हिसलिंग विलेज के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो आपने देखा होगा कितना यूनिक तरीके का विलेज है ये, जहाँ बच्चों के नाम नहीं रखे जाते हैं, सिर्फ धुन से बातें की जाती है दोस्तों। दोस्तों लास्ट है लातपुरा खास गांव। दोस्तों लातपुरा खास गांव एमपी टीकमगढ़ जिले के ओरछा तहसील में है दोस्तों। ओरछा आने वाले टूरिस्ट जब भी इस गांव की तरफ बढ़ते हैं तो एक अलग ही एनवायरनमेंट उन्हें देखने को मिलता है दोस्तों। दोस्तों यहां का जो शांत, शुद्ध और प्राकृतिक एनवायरनमेंट है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है दोस्तों। अगर आप भी जाएंगे दोस्तों तो आपका यहां पर जो शांत और अच्छा एनवायरनमेंट है वो देखने को मिलेगा। इस एरिया में बुंदेलखंड के जो प्राचीन साम्राज्य के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और साथ ही यहाँ का जो ट्रेडिशनल खान पान और ड्रेसअप है, यहाँ की संस्कृति से आपका परिचय होगा दोस्तों। आपको और अच्छा अधिक जानने को मिलेगा यहाँ के पहनावे के बारे में, खान पान के बारे में दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि भारत में कितने डिफरेंट टाइप के विलेजेस है दोस्तों, जहाँ आप कभी गए भी नहीं होंगे, तो एक बार इन विलेजेस में जरूर स्टे करिए, आपको काफी मजा आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।